हाँ तुम्हारे आदर सोता हो प्यार करने को बच्ची सीता सावित्री अनुसुई जैसे भूम में पने वाली माताएं बहन बहने। आज हम आप लोगों के बीच में सुनाने के लिए जा रहे हैं, समझाने के लिए जा रहे हैं कि आजकल मेरे देश की हालत बड़ी बिगड़ती चली जा रही है। इसलिए आज इस डीके म्यूजिक की तरफ से आप लोगों तक बड़ा ये सुंदर प्रोग्राम पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। मेरे भैया सबसे पहले एक बात कहेंगे, और एक से नहीं, जो भी हमारे इन प्रोग्राम को सुन रहे हैं, जहां जहां तक ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है, सभी भक्तों से एक ही बात समझाएंगे। क्या लला धर्मवीर आर जिस घर अंदर लारी जाती का होता सम्मान रहे, वो घर नीचे समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। गौर करेंगे और समझेंगे हम क्या कह रहे हैं। ओ जिस घर अंदर नारी जाती का होता सम्मान रहे, वो घर नीचे समझो भाइयों देवों का स्थान रहे, वो घर नीचे समझो भाइयों देवों का स्थान रहे। बताया है जिस घर में अगर सुख और चैन रहता है मेरे भैया, उस घर की तो बात ही अलग होती है। जो घर सुख चैन में है, और बताया है आगे पतली चा कुछ हो करके मन में मोक्ष सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती, मन में
देवों का स्थान है। याद रखना मेरे भैया, बताया है पत्नी जहां को सो करके मन में मोक्ष मनाती, वहां सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगालियों गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती, वो पति पत्नी के प्यार को लगे डर डर के भग जाती। मेरे भैया, जिस घर में पति पत्नी में आत्माओं का प्यार होता है, उस जगह कंगाली रुकती नहीं है। और लिखा है, पत्नी जहां प्रसन्न रहे घर की होई सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाए दे चतुराई। वही स्वर्ग है जहां एक दूसरे में आत्माओं का प्यार है। घर तो स्वर्ग वही है। पत्नी जहां प्रसन्न रहे घर की हो सफाई, खान पान और रहन सहन में दिखलाए दे चतुराई। मेरे भैया, इसीलिए हम सबको समझाते हुए चल रहे हैं कि जो भी अपनी घर में पत्नी से बच्चों से प्यार करता है वही स्वर्ग होता है, वही घर स्वर्ग होता है। लेकिन इस कथा में क्या हुआ है वो आप लोग सुनेंगे धीरे धीरे। आगे क्या हुआ, एक व्यक्ति है लला धर्मवीर, उसने क्या किया,
और क्या नाम था उसका? हे उसका नाम रमेश, बातें से उन्हें बतलाते तुम समझ सको तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते। समझ सको तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते। के सब की चल रही कलम, के सब की चल रही कलम, पढ़ो है इलम, सुनो मेरे भाई, सुनो के म्यूजिक में आज मैंने रोए रोए कथा सुनाई। के म्यूजिक में आज मैंने रोए रोए कथा सुनाई। भैया आज रमेश नाम का व्यक्ति है, इसकी शादी तो हो गई लेकिन इसने अपनी धर्म पत्नी को अपने गले से नहीं लगाया। और जब मेरे भैया उसने अपनी पत्नी को गले से नहीं लगाया तो पत्नी घर में बड़ी दुखी है, बड़ी उदास रहती है और सोचती है भगवान मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे रहूं। वो कहने लगी मेरो हियन पे मन नहीं लगी रहो है क्यों दुनिया में मेरो, मेरे भैया आज रमेश की पत्नी बड़ी घबरा रही है, बड़ी डर रही है, अब मैं क्या करूं, मेरो हियन पे मन नहीं लगी रहो है कौन दुनिया में मेरो, मेरो भीतर से जिया यो मरी रहो है कौन दुनिया में मेरो, लगी रहो है कौन दुनिया में मेरो। याद रखना मेरे भैया,
सोचने लगी अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं। रमेश अपनी पति पत्नी से बिल्कुल प्रेम नहीं करता है, लेकिन उसकी पत्नी अपने पति के ऊपर जान न्योछावर करती है। क्या हुआ आगे? बाले छीन लियो सुकचे रमेश ने अपनी पत्नी का जीना हराम कर दिया, चैन से रहने नहीं देता है, चैन से खाने भी नहीं देता है। पाले छीन लियो सुख चैन का हाथ कगा में। सुनो लगाए के ध्यान, पर तरफ तू हो गई तेल। सुनो लगाए के ध्यान, आज मेरे भैया धीरे धीरे हुआ क्या, रमेश की पत्नी ने अपने पति को बड़ा ही समझाती, लेकिन दारू पी करके आता है और अपनी पत्नी से गाली देता है, बहुत झगड़ा करता है। एक दिन की बात, उस कमीन ने अपनी पत्नी को अपने घर से निकाल दिया। लला चंदू, उस कमीन ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, और जब घर से निकाल दिया क्या हालत हुई, कैसे समझाएं, क्या बताएं। इसलिए तो कहना है ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना आजकल हमें कोई सुखी नहीं दिखाई दे रहा है, सब लोग दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं। ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना बदल रहा इंसान, ये कितना।
मेरे भैया क्या बताएं, बताया नहीं जाता है और बिना बताए रहा भी नहीं जाता है। आज उस रमेश ने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, भोली भाली लड़की घर से निकल गई, रोती हुई जा रही है। और क्या हुआ, गलिन गलिन बेटी या पीरे अरे मेरे भैया, गली न बेटी या पीते अरे मेरे बेटा, जाके दिल को पड़ो काले आज वो बिटिया पागलों की तरह डोल रही है। उनसे पूछो जिस बिटिया को माँ बाप ने कितने प्यार से पाला था, कितने प्यार से रखा था घर में, आज उस नीच ने इस बेटी की क्या हालत की है। अरे कैसे पाली माँ बाप ने अरे मेरे बेटा, वो पे कह तक नहीं जाई मेरे भैया। उस लड़की को जब घर से निकाल दिया, इसीलिए तो बताया है। एक संदेश देना चाहेंगे इसी बीच में, मां बाप से कहना है, बेटियों के भाइयों से कहना है कि अपनी बेटी को शराबियों के हवाले कभी नहीं कर देना, कभी मत कर देना, वरना बहुत ही ज्यादा पछताना पड़ेगा। मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, अपनी बेटी को ऐसे घर में ना कर देना जिसमें वो लड़का दारू पीता है। आज शराबी ने लड़की की हालत को खराब कर दिया, इसीलिए बताया है। बड़े बड़े राजाओं के हर पड़ी गए घरों में ताले। हमने देखा है कुछ लोग अपनी बेटी की शादी कर देते कि बहुत पैसे वाला है, दारू थोड़ी पीता है, कुछ बात नहीं है, बहुत बड़ा पैसे वाला है। उनसे कहना है, अरे बड़े बड़े राजाओं के और पर गए घरों में ताले, और धन के अभिमानी दारू ने भिख मंगा कर जावे। Thank you.
मेरे भैया। आकाश चेतन ने देखे है पड़े की जगे लाले, बहुत सुंदर बेटा। आकाश चेतन ने देखे पड़े की जगे लाले, पूरी तरह से पिटते देखे हमने दारू वाले। पूरी तरह से पिटते देखे हमने दारू वाले। कितनी बीमारी होती इस दारू के अंदर, नला सिरपाल, कितनी गंदी है ये शराब। सुनो, प्राण वायु की चाल जतन में सही नहीं हो पाती, प्राण वायु की चाल जतन में सही नहीं हो पाती, पाचन शक्ति मंद खराबिया मसे जन शक्ति मंत खराबी आमास में आती, रक्त नारिया ढीली हो खून की चाल बढ़ जाती, रक्त नारिया ढीली हो खून की चाल बढ़ जाती, इसके कारण हृदय पर भी बीमारी छा जाती। चरित्र और आकाश तुम्हें दारू को चरित्र और गुरुदेव मेरे दारू को बुरा बतावे, चेहरा होई बेकार समेते पहले वो मर जावे, चरित्र और धन मंत्र भी दारू को पूरा बतावे। आज मेरे भैया, इसीलिए हमने बताया है कि दारू पीने वाले के लिए अपनी बहन बेटी कभी नहीं देना। आज उस नीच ने उस बिटिया को घर से निकाल दिया और दारू पी करके मस्त है, उससे कुछ होश भी नहीं है। इधर सड़कों पर क्या हुआ,
अरे जाकी रोई रही है घर बारी एक बात बताएं लला धर्मवीर अरे कुत्ता हड़पा सन छोड़े चाय पर रबड़ी और खीर खवा चेहरों श्याप कोने कभी हो गए चाय पर कितने मेरी धीरे धीरे कथा ललाया
याद रखना मेरे भैया, आज इधर तो वो लड़की पागलों की तरह सड़कों पे डोल रही है, इधर रमेश दारू पी करके मस्त है, लला चंदू दारू पी करके उसे होश नहीं है, इसलिए तो बताया है। अरे ऋषि मुनि योगी बतलाते जब घड़ी ना सकी आती, ऋषि मुनि योगी बतलाते जब घड़ी ना सकी आती, उल्टी बुद्धि हुई जाती नहीं अच्छी बात सुहाती। आज रमेश के गांव के कुछ लोगों ने जाकर के रमेश से कहा, पागल कमीन तूने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, वो कहां जाएगी, किसके सहारे जिएगी वो। लेकिन एक नहीं सुनता है रमेश, इसीलिए तो कहा है गांव वालों ने उसे बताया कि कमीन तू ये बहुत बुरा कर रहा है, एक दिन तू मूड पकड़ के रोएगा पछताएगा। लेकिन एक नहीं सुनता है। इधर मेरे भैया रमेश की पत्नी के साथ में एक हादसा हुआ और एक गाड़ी से टकरा गई, गाड़ी से गई टकराए गई पतिमारी, गाड़ी से गई टकराए गई पतिमारी, आज रमेश की पत्नी के साथ में हादसा हो गया, एक गाड़ी से टकरा गई, गाड़ी से टकरा गई। भक्तों क्या हुआ, I'm
आज मेरे भैया अपने पति के बारे में सोचती जा रही थी और अपने घर के लिए लौट रही थी, जब तक एक्सीडेंट हो गया। मेरे भैया तुरंत वो लड़की वहीं पे खत्म हो गई। आज सब लोग वहां पे इकट्ठे हुए और पता लगाया तो जाकर के रमेश को पकड़ लिया लोगों ने। और जब पकड़ लिया, आहा, क्या किया? जामे तीनी मारू लगाई रे, सबने मिलके भाई। समझ में आई मेरे धातन यो इतिहास बनाई दीजो, और ऐसे पापी को जमीन में जिंदो हरत दफना दीजो। ऐसे कमीन को तो जमीन में दबा देना चाहिए लला, है ना? ऐसे इंसान को जमीन में जिंदा दबा दिया जाए। भैया धीरे धीरे आज सभी के आंसू बह रहे, भैया धीरे धीरे नैनन से के आंसू बह रहे हैं। आज वो लड़की तो खत्म हो गई। इधर आकर के रमेश में भी इतनी जोर से मार लगाई भक्तों, उसके भी होश बिगड़ गए। उसी जगह पहुंच गया और अपनी पत्नी के लाश पे मुंह धर के फपक फपक के रोने लगा और कहने लगा, हे प्यारी, हम पे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन भैया लला चंदू, अब क्या होता है, अब कुछ नहीं होगा, इसीलिए तो कहा है। रो रो करके कहने लगा, क्या मर गई प्यारी, कछु कह न गई, मर गई रानी मोते। मेरे भैया रमेश रो रहा है लेकिन किसी को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कहने लगा, ओ मर गई प्यारी, ओ गोली मोए बाप कर दी दो। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा बड़ा ही गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हें जीवन में कभी प्यार नहीं दे पाया, जीवन में कभी खुशी नहीं दे पाया, और इस दारू ने मेरा सत्यानाश कर दिया।
इस शराब ने मेरा सत्यानाश कर दिया भक्तों। एक गोली मोल बाप कर दी दो, मरने से पहले कभी कह न गई मर गई रानी मोते, कह न गई मर गई प्यारी। भक्तों हाथ जोड़ करके मेरा तो इतना ही निवेदन है, सोच समझ के लला धर्मवीर, सोच समझ के कदम उठाइए, सोच समझ के कदम उठाइए, आज कल किसी को भूल न जाइए। मेरी बात तू सह न गई मर गई प्यारी मोते, सह न गई मर गई रानी मोते। पत्नी को धोखा देके और पति ने की मनमानी, पत्नी को धोखा देके और पति ने की मनमानी, लेकिन पवित्रता रानी की कमी ने पहचान से चली गई बेटी, तुम इस पे ध्यान लगाना, दारू बाज मिले भैया तो उसने मार भैया। अगर कोई बहन बेटी के लिए अगर शराबी लड़का हो तो उसे शादी नहीं करना, उस समय मार लगाना मेरे भैया, घर से उसे भगाना, दारू पी के जो घर में आवे तो उस समय मार इतना ही कहेंगे कि भूल कर भी अपनी माता बहन बेटियों को किसी शराबी के हवाले न कर देना, चाहे वो कितना भी बड़ा पैसे वाला हो, चाहे कितना भी नौकरी में हो, चाहे कितनी बड़ी नौकरी में हो।
चंदू मेरो प्यारो भैया ढोलक मधुर बजावे धर्मवीर को बार बार मेरो भैया खूब समझावे और बताया है सोनू भैया रिकॉर्डिंग करता बेटे सनमुख आई आकाश चेतन आपको लड़े तो पाने कथा केशव भैया आगरा के लेखक बने हमारे केशव भैया आगरा के लेखक बने हमारे आज यहाँ पे सब लोगन की जोड़ा इनके तारे